सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज के इस वीडियो में हम लोग नई सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज एक्टिव राइटर इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, राइट। तो जो भी लोग एडी से रिलेटेड अपना इंटरव्यू प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको रेगुलर बेसिस पे एक या दो वीडियोज प्रोवाइड करूंगा जहाँ पे हम लोग इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन को बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज एन एक्टिव डायरेक्टरी। सो एक्टिव डायरेक्टरी क्या है कि एक सर्विस है, इट्स अ सर्विस, इट्स अ डायरेक्टरी सर्विस डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर विंडोज डोमेन नेटवर्क। तो जो आपका एक्टिव डायरेक्टरी है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज है, जो कि डायरेक्टरी सर्विसेज बोलते हैं हम, और ये बनाया गया था विंडोज डोमेन नेटवर्क के लिए, ठीक है। सो इट इज अ स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट योर नेटवर्क रिसोर्सेज सच एज यूजर्स, कंप्यूटर्स, ग्रुप्स, डिवाइसेज, एंड प्रोवाइड द ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन मैकेनिज्म टू मैनेज एक्सेस टू दिस रिसोर्सेज। मतलब जो आपका एक्टिव डायरेक्टरी है वो क्या करता है, आपके जितने भी रिसोर्सेज है आपके नेटवर्क में, रिसोर्सेज किसे बोलते हैं हम, तो यूजर्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, या जो भी आपके अदर नेटवर्क डिवाइसेज हो गए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिसोर्सेज बोलते हैं। तो इन रिसोर्सेज की जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे कलेक्ट करता है, आपका एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस के अंदर, ठीक है। और उसके बाद क्या किया जाता है, इनको ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जाता है। मतलब देखिए, अगर कोई यूजर है, अगर नेटवर्क में लॉगिन करना होगा तो उसको क्या चाहिए होगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो ये कॉन्सेप्ट आता है आपका ऑथेंटिकेशन, जो कि कौन प्रोवाइड करता है, एक्टिव डायरेक्टरी। साथ साथ एक्टिव डायरेक्टरी ये भी ध्यान रखता है कि जो भी यूजर नेटवर्क में लॉगिन कर रहा है उसको ऑथोराइजेशन भी प्रोवाइड किया जाए। ऑथोराइजेशन का मतलब है कि आप नेटवर्क में क्या एक्सेस कर पाओ, मतलब आपका जो लिमिट है एक्सेस का वो कहाँ तक हो। सो दिस इज द ऑथोराइजेशन। तो आपका एक्टिव डायरेक्टरी क्या प्रोवाइड करता है, ऑथेंटिकेशन एज वेल एज ऑथोराइजेशन। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज अ डोमेन कंट्रोलर। डोमेन कंट्रोलर क्या है, तो दीज आर सर्वर्स दैट होस्ट अ कॉपी ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस एंड हैंडल ऑथेंटिकेशन एंड डायरेक्टरी रिलेटेड रिक्वेस्ट। मतलब जो आपका डोमेन कंट्रोलर्स है ये क्या होते हैं, आपके नेटवर्क में बहुत सारे सर्वर हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकता है, और उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। सो डोमेन कंट्रोलर वो मशीन होती है जो कि आपकी एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस को क्या करता है, स्टोर करता है, हैंडल करता है। मान के चले कि मेरे पास एक मशीन है, आई हैव अन मशीन, मेरे पास एक कंप्यूटर है, और इसके ऊपर मैंने क्या किया, एक विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने इंस्टॉल कर दिया। वो कुछ भी हो सकता है, आपका सर्वर 2012 हो सकता है, 2020 हो सकता है, 2016 हो सकता है, 2022 हो सकता है, सॉरी 2020 नहीं है, 2022। तो ये जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का आप यूज करेंगे सर्वर का, तो उसके बाद आपको एक सर्विसेज को इंस्टॉल करना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडी। तो जब आप एक मशीन के ऊपर, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन के ऊपर जब आप एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज को इंस्टॉल कर देते हो तो वो सर्वर कहलाता है आपका डोमेन कंट्रोलर। तो ईच डोमेन इन द नेटवर्क हैज एटलीस्ट वन डीसी व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लिकेटिंग चेंजेस टू अदर डीसीज विद इन अ डोमेन। तो जो डोमेन कंट्रोलर जिसको आप बनाओगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जो आपके नेटवर्क में अदर डोमेन कंट्रोलर रखे हुए हैं उनके ऊपर रेप्लिकेटिंग करना या जो भी चेंजेस आपने किया उसको। मान के चले कि मेरे पास मेरे नेटवर्क में मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर हैं और एक नेटवर्क में मल्टीपल डोमेन कंट्रोल होता है फॉर द रिडंडेंसी पर्पस, कि अगर मेरा एक डोमेन कंट्रोलर डाउन चला जाए तो उसके अब्सेंस में बाकी अदर्स क्या करें, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करें, ठीक है। तो मान के चले ये सारे मेरे क्या है, डोमेन कंट्रोलर 1 है, ये मेरा डोमेन कंट्रोलर 2 है, ये मेरा डोमेन कंट्रोलर 3 है। तो अगर मान के चलो कि आपने किसी भी एक डोमेन के अंदर क्या किया, कोई यूजर क्रिएट किया, लाइक आपने यहाँ पे यूजर क्रिएट किया यूजर 1, तो ये डोमेन कंट्रोलर अब रिस्पॉन्सिबल होगा बाकी अदर्स को रेप्लीकेट करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि ईच डोमेन इन द नेटवर्क हैज एटलीस्ट वन डोमेन कंट्रोलर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लीकेटिंग चेंजेस टू अदर डीसीज। तो अगर आप इसके अंदर कोई यूजर क्रिएट करते हो तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि अदर्स को क्या करना, रेप्लीकेट करना। मान के चलिए कि आपने DC3 के अंदर कोई यूजर क्रिएट किया यूजर 3, अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी DC3 की, बाकी डीसी अदर डीसी को आपको क्या करना, रेप्लीकेट करना, चेंजेस को प्रोवाइड करना। तो आप किसी भी डोमेन पे बैठ के, किसी भी डोमेन कंट्रोलर पे बैठ के आप काम कर सकते हैं, क्योंकि ये सबकी सभी डोमेन कंट्रोलर आपके राइटेबल कॉपी को होल्ड करते हैं। मतलब सभी का सर्वर डेटा जो होता है वो राइटेबल कॉपी होती है जिसमें आप डेटा को रीड एंड राइट कर सकते हैं। सो ये था हमारा डोमेन कंट्रोलर के बारे में और साथ साथ एक्चुअलिटी के बारे में, कि एक्चुअलिटी क्या होता है और डोमेन कंट्रोलर क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अदर फर्दर इंटरव्यू क्वेश्चन से प्रोवाइड करूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए,
और अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जो कि है tech_byte official, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।